कुल्लू जिला भूमिहीन आवासहीन कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भूमिहीन और आवासहीनों के कब्जों को लेकर कोई पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया है, वहीं सरकार अब पॉलिसी बनाकर इन्हें नियमित करे। हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने 2017 में एक आदेश पास किया है कि जो 5 बीघा से कम नाजायज कब्जे हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोग 4000 जिला कुल्लू के अंदर हैं जो आवासहीन हैं, भूमिहीन हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन में कब्जा कर रखा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन सरकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार का मामला है। हमारा जो जिला है भूमिहीन आवासहीन है, अब हम इस मामले को समस्त लोगों की जो 4000 लोगों की मांग है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। हम इस केस को बांध लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे, क्योंकि एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। कुल्लू के अंदर एक ऐसी रूपी नौ तोड़े जिसमें हजारों बीघे बड़े बड़े अधिकारी लीडरों को सबको मिली हुई है, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो घर से निकले हुए हैं या बहु बेटे हैं, बहुत ज़्यादा है, उनको भी तो रहने का अधिकार है। अगर वो वोट देते हैं तो उनको भी वो रहने खाने पीने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग रहेगी। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसे पात्र लोग हैं जो नजायज़ कब्जा धारक है, वो देव सदन में मेरे कार्यालय में अपनी फाइल जमा करें ताकि हम उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट जा सकें। तोड़ 14 नवंबर 1957 को सरकार में समाहित हुई है और उनके बारिशानों को उसकी पेमेंट चले गई है, उसके बावजूद ये इतना बड़ा देश का फ्रॉड है। फ्रॉड तो बहुत है पर रूपी नौ तोड़ इतना बड़ा घोटाला है कि यहाँ पर लोग एक तरफ पट्टा लेते हैं दूसरी तरफ बेचते हैं। आज भी डीसी कुल्लू इनके बारे में चिंतित है। इन्होंने लिखा है कि भाई इनको नौ तोड़ मेरे पास एप्लीकेशन है, कैसे है 100 साल के बाद कोई नौ तोड़ का हो सकता है? 90 दिन हाईकोर्ट के आदेश भी होते हैं। तो ये जो 3600 बीघे का भी घोटाला जो डीसी के पास इंतकाल के लिए पेंडिंग है, जो पीछे हुए वो तो हुए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग करेंगे कि इसके लिए SIT बिछाया जाए और रूपी नौ तोड़ घोटाले को उजागर किया जाए। अदरवाइज लोगों के मंदिरों की ज़मीनें, घासनी, शमशान घाट, हर जगह पट्टे बन गए। रात को पट्टा बनता, दूसरे दिन करोड़ों का होटल बन जाता, तीसरे दिन को वो बिक जाता है। कुल्लू के अंदर बहुत बड़ा लैंड स्कैमिंग है, नजायज़ कब्जे। यदि मंदिर बड़े बड़े हैं, गुरुद्वारे बड़े बड़े हैं, वहाँ सरकार को नजर नहीं आ रहा, केवल धाट में जाके वो गरीब नोखी देवी को खाड़ा जाता है, बुरुओं के अंदर उखाड़ा जा रहा, दूसरी जगह उखाड़ा जा रहा, ये गलत है। इस अन्याय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। कोर्ट के जजेस को, वकीलों को, चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी को, डॉक्टर को कभी नौ तोड़े मिली है, रूपी नौ तोड़ मिली है, हम इनको CID वालों को देंगे ये केस। कभी कोई आपने सुना है कि सेक्रेटरियों को भी नौ तोड़े मिलती है, डॉक्टरों को नौ तोड़े मिलती है, रूपी नौ तोड़? क्योंकि ये घोटाला है, ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम 1957 में खत्म हो गई है, उसके बाद जिसने भी ली है 400-400 बीघे, 300-300 बीघे, अभी तक हम चुप इसलिए थे, हम चाहते थे कि भाई हमारा भी लोग कल्याण करेंगे, सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए ये मामला में हम सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाएंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।